मध्य प्रदेश के दबंग आदिवासी नेता उमंग सिंघार उम्र 48 साल, 3 बार विधायक और कांग्रेस सरकार के वन मंत्री रहे। अभी तक मिली जानकारी में उनकी 3 पत्नियां हैं। अब उनका राजनीतिक कैरियर खतरे में दिख रहा है। सोमवार को उनकी 38 वर्षीय तीसरी पत्नी ने उनके खिलाफ धार में रेप का केस दर्ज कराया है। सिंघार पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस की कद्दावर नेत्री जमुना देवी के भतीजे हैं। उमंग ने राजनीति का कहकहारा बुआ जमुना देवी से सीखा। उनके निधन से पहले ही उमंग राजनीतिक कदम रख चुके थे। जानते हैं विवादों में आए पूर्व मंत्री की पूरी कहानी, कैसे राजनीति में आए, कब कब सुर्खियों में रहे। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि उमंग क्यों सुर्खियों में है। विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ उनकी पत्नी ने रेप का केस दर्ज कराया है। उसने पहले जबलपुर थाने में शिकायत की थी, जहां से धारा पुलिस की सूचना दी गई। इसके बाद धार पुलिस ने केस दर्ज किया। विधायक की 38 वर्षीय पत्नी ने अपाकृतिक कृत्य और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए हैं। धार SP आदित्य प्रताप सिंह ने केस दर्ज होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर दुष्कर्म संहिता अपकृत्य कृत्य की धारा 376, 377, 498 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उमंग सिंघार को राजनीति विरासत में मिली बात उन दिन की है, जब पूर्व उप मुख्यमंत्री जमुना देवी का राजनीतिक कैरियर ऊंचाई पर था। इस दौरान उमंग की बुआ जमुना देवी का पूरा काम देखते थे। जमुना देवी ने ही उन्हें राजनीति का ABCD सिखाई। जमुना देवी ने आदिवासी अंचल के कद्दावर नेता थी। इसी के चलते उमंग सिंघार की भी आदिवासियों के बीच पकड़ मजबूत हो गई। जमुना देवी के स्वास्थ्य खराब होने लगा, तब से उमंग की राजनीति में आने की चर्चा शुरू हो गई। उन्होंने इस मौके पर भूना भी लिया। 2008 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधानसभा पहुंच गए। जमुना देवी प्रदेश की उप मुख्यमंत्री रही थी, वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रही थी। 2010 में उनका निधन हो गया। इससे पहले उमंग सिन्हा ने राजनीति में पूरी तरह पैर जमा लिया, आदिवासियों के बीच लोकप्रिय बन लिए। उमंग को भाजपा अपने पाले में लाकर आदिवासी क्षेत्र में जनाधार मजबूत कर आदिवासियों को लीडरशिप खड़ी करनी चाहती है। उमंग के भाजपा में आने से आदिवासियों के आकर्षण और जनाधार वाला नेता मिल जाएगा। लेकिन उमंग अपनी पार्टियों के नेताओं के खुलकर खिलाफत करने के बाद भी पार्टी के खिलाफ बगावत करते नहीं दिख रहे। साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों के भाजपा ज्वाइन करने के दौरान उमंग ने दावा किया था कि भाजपा की ओर से उन्हें 50 करोड़ का ऑफर आया था। साथ ही अहम पद देने के बाद भरोसा मिला है। 4 महीने पहले ही राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान भी उमंग ने दावा किया था भाजपा की तरफ से उन्हें द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का एवज में 50 लाख का ऑफर मिला है। राजनीति के जानकर बताते हैं कि जमुना देवी की राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा दिग्विजय सिंह ने तलखी बनी रही। कई मर्तबा जमुना देवी की दिग्विजय सिंह कठिनी, लेकिन फिर भी आदिवासी वर्ग में अपने मजबूत पैर में चलते कांग्रेस के अहम पर्दों पर नहीं। उमंग सिंघार भी उनकी राह पर चल रहे हैं। मंत्री रहते हुए भी उमंग ने दिग्विजय सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। दिग्गी पर उमंग ने शराब और रेत के कारोबार में शामिल होने के आरोप लगाए थे। इस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र क्यों रचा जाता है, और अगर षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उन नेताओं को भी कहना चाहता हूँ, इतनी गंदी राजनीति आप लोग मत ना करें।